वामा साहित्य मंच और साहित्य समागम की संयोजक पद्मा राजेंद्र से की हमने विशेष बातचीत, वो इस कार्यक्रम को लेकर बहुत खुश नजर आए। नमस्कार, gamasan.com में आपका स्वागत है। दो दिवसीय महिला साहित्य समागम जो इंदौर में आयोजित किया गया और जो पहली बार इंदौर में पूरे देश में इस तरह का आयोजन हुआ है और इसका सबसे अधिक श्रेय जाता है वामा साहित्य मंच को, जिसकी अध्यक्ष हैं पद्मा राजन जी, जो जानी मानी लेखिका भी हैं। हम उनसे बात करते हैं इस कार्यक्रम को लेकर। नमस्कार, मैं पद्मा राजेंद्र, वामा साहित्य मंच की अध्यक्ष, और पूरा श्रेय मैं बिल्कुल लेना नहीं चाहूँगी क्योंकि ये एक संयुक्त रूप से हुआ कार्यक्रम है और वामा के साथ साथ gamasan.com भी उसका पूरा सहभागी रहा है और उन्होंने भी हमारे साथ बहुत मेहनत की। हमने ये दो दिवसीय जो आयोजन किया है उसमें करीबन 9 प्रदेशों से हमने साहित्यकारों को बुलाया है, उतने ही प्रदेशों से हमारे सहभागी भी आए हैं और सभी की प्रस्तुतियाँ बहुत अच्छी रही। जो हमारे साहित्यकार आए थे उन्होंने विषय पर बहुत अच्छा उद्बोधन दिया और सबसे बड़ी बात ये हुई कि ये आयोजन हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है और इसको जितने भी जो साहित्यकार थे, वो जो साहित्यकार नहीं थे और जो श्रोता थे, वो सभी ने बहुत सराहा है और सबने ये कहा है कि इसको आगे भी जारी रखें और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसे अगले वर्ष भी करें। धन्यवाद। कार्यक्रम कैसा लगा आपको? इस अभिनव कार्यक्रम के लिए वामा और घमासान दोनों के जितने घमासान प्रयत्न हुए उसकी मैं तारीफ करता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है या जहाँ तक मेरी जानकारी का प्रश्न है, इस टाइप का ये माइलस्टोन वाला आयोजन यहाँ पे किया गया और बहुत ही सफलतापूर्वक किया गया और इसमें जो भी चीज़ें, जो भी तेवर या जो भी सरोकार, जो भी लेखन को लेके स्त्री लेखन या स्त्रियों के द्वारा लिखा गया साहित्य, उन सारे सरोकारों को लेके जो भी चर्चाएं हुई वो बहुत ही सकारात्मक और अच्छी रही। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस तरीके के आयोजन लगातार होते रहना चाहिए और इससे अपनी रचनात्मकता भी प्रभाव पड़ेगा और सामाजिक दायित्वों को समझने के लिए भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब रचनाएँ सामने आएंगी उसका प्रभाव समाज पर आएगा और समाज में से कुछ सकारात्मक निकल के आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये आयोजन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और जैसे कि अभी हमारे पद्मा जी के राजन जी ने कहा कि इसकी अनुगुंज और आगे तक जाए, और अनुगुंज ही ऐसी चीज़ है जो बहुत दूर तक जाती है। तो मैं चाहता हूँ, और जब लौट के आती है तो बड़ी अच्छी लगती है। क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दो दिवसीय जो कार्यक्रम हुआ उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो सबसे पहले जो है इतने बड़े कार्यक्रम के लिए मैं, क्योंकि आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, आपसे लेकर और जितने लोग जुड़े हैं, वामा साहित्य मंच gamasan.com सभी को मैं जो है दिल से बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इतना बड़ा काम बिना एक टीम वर्क के और एक किसी खास दिमाग की उपज के ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। उसकी रूपरेखा रखना, उसके बाद एक एक काम पर बारीकी से काम करना, इतने सारे लोगों को देश भर से इकट्ठा करना, उनसे बातचीत करना, उनको संतोषप्रद वार्तालाप से मनाना, ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। देखने में बहुत छोटी छोटी लगती है कि किसी को एक बार फ़ोन लगाया और वो तैयार हो जाएगा कि हाँ, हम आपके कार्यक्रम में आ रहे हैं। उनको कन्विंस कराना पड़ता है कि ये कार्यक्रम जो है आपके लेवल का है, आप आइए, मज़ा आएगा। और वाकई सभी ने यहाँ पर आकर जो है भरपूर मज़ा किया। अब ऐसे श्रोता में बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा हंसने हंसाने में विश्वास करता हूँ और साहित्यिक विषय जो है थोड़े से ऐसे लोगों के लिए थोड़े से बोझिल या अरुचिकर हो जाते हैं। मज़ा तो आता है, नो डाउट, बीच बीच में कुछ ज्ञानवर्धक बातें मिलती है, मज़ा तो भरपूर आता है, पर चूंकि मैं हंसने हंसाने में भरोसा करता हूँ, एक सुझाव मेरा बीच में यह है कि एक हर आधे घंटे में के बीच में एक ऐसा कोई रोचक कार्यक्रम हो जिससे लोग बाग वार्म अप हो जाए और थोड़ा सा कहीं हंसी का फूट आ जाए। इसमें थोड़ा आपका व्यंग्य ले लो, थोड़ा सा कुछ अच्छी रचनाएं जिसमें लोगों को मज़ा आए, दाद मिले। लोग बाग खाने के बाद अगले सेशन में जनरली सुस्त आते हैं, उबासी आती है, तो कुछ एक वार्म अप का कार्यक्रम हो जिसमें लोगों को जो है थोड़ा सा आनंद आए और सभी रुचि के लोग, जो लोग साहित्य में कम रुचि रखते हैं उनको, उनके लिए भी कार्यक्रम जो है मनोरंजक हो जाए। बस आगे जो है भविष्य में कार्यक्रम जो है और
अपनी इन कमियों को और लोगों को देखते हुए एक और कमी इसमें मैंने महसूस की कि जो महिलाएं वक्ता थी कहीं ना कहीं उनको पुरुष उपस्थिति की कमजोरी जो है लग रही थी। तो आगे से इस कार्यक्रम में जो है पुरुषों की सहभागिता भी हो तो एक दोनों तरफ के, क्योंकि महिला है तो महिला के समर्थन में नो डाउट वो ज़्यादा कहती हैं, उनका समर्थन करती है। अगर पुरुष वर्ग भी वहाँ होगा तो या तो जम के लड़ाई होगी, जम के मतलब वाद विवाद होगा, या एक दूसरे की बात का तोड़ मिलेगा और एक निष्कर्ष जो है कहीं ना कहीं से निकल के आएगा। तो सभी को, जितने कार्यक्रम से जुड़े लोग थे, सभी को बधाइयाँ देता हूँ। मैं अपने आप को भी बधाई देता हूँ, मैं भी करीब एक महीने से इन सारे कार्यक्रमों में अदृश्य रूप से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ भी दो दिन से, चूँकि मैं पद्मा जी का राजेंद्र हूँ तो इस कार्यक्रम की सफलता से कहीं ना कहीं मैं भी जुड़ा हुआ था। ये कार्यक्रम सफल हो, भव्य सफलता मिले, आगे आने वाले वर्षों में जो है और ज़्यादा सफल हो, और इसकी चर्चा आज जो मैं माइक पे कर रहा हूँ, इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चा हो कि इंदौर में कोई एक इतना बड़ा महिलाओं का कार्यक्रम होता है और हर व्यक्ति जो है उसको देखने सुनने के लिए लालायित रहे। शुभकामनाएं, धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।